I was saying it's a different take on the partition. So dekhte hain yaar. Matlab, I'm expecting a lot because I've been a huge Gurinder Chadda fan also. She's made some beautiful films before. So looking forward to this interesting little take on partition, basically. वेल मुश्किल तो नहीं था, मज़ेदार था, क्योंकि आई थिंक मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट खुद रह चुकी हूँ तो मुझे लगता है कि अपनी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है. और फिल्म के माध्यम से आई थिंक हिस्ट्री अगर लोगों को बताई जाए तो ज़्यादा आसानी होती है. एंड ऑफकोर्स द फिल्म इज़ अबाउट दीज सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो कि कुछ साल पहले डिक्लासीफाई किए गए, जो कि नई रोशनी डालते हैं पार्टीशन के ऊपर कि एक्चुअल में पार्टीशन हुआ क्यों और एक्चुअल में ब्रिटिश का अल्टीरियर मोटिव क्या था पार्टीशन करने के लिए. आज भी सब कॉन्टिनेंट में हम पार्टीशन की वजह से प्रॉब्लम झेलते हैं. तो कहीं ना कहीं अगर स्पेशली विद द यंगर जनरेशन, यू नो, अगर आप अपने पास पर जाएं और समझें कि एक्चुअली उसके रीजंस क्या थे, तो शायद यू नो इट विल हेल्प अस इन आवर फ्यूचर. बहुत कमाल का था. कॉन्डे नास्ट ऑफ कोर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड लग्जरी कवर्स. तो आई वॉज वेरी ऑनर्ड कि दे चोज मी टू बी ऑन दैट कवर एंड इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल शूट. और मैं क्या बोलूँ, मतलब आई थिंक इट वॉज अ ह्यूज ऑनर फॉर मी. ऑलराइट, थैंक यू.